बिहार में जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। सर, शराबबंदी लागू है उस राज्य में जहरीली शराब से मौत होना तो अच्छी बात नहीं है, क्या आपको लगता है ये विफलता है सरकार की? शराबबंदी लागू है बिहार में भी, शराबबंदी लागू है गुजरात में भी, वहाँ भी मौतें हो रही हैं, वहाँ भी शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं है गुजरात में, और बिहार में भी एक भी अगर मौत होता है शराब से तो उसका कांग्रेस पार्टी को और पूरे राज्य को तकलीफ होता है। इस तरह का मौत नहीं होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन क्या इसी तरह की घटना कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है? क्या इसी तरह की मौतें हरियाणा में नहीं हुआ जो कि बीजेपी रूल्ड स्टेट है, और गुजरात का मैंने जिक्र किया? तो एक बहस अगर करना है तो सब पे बहस कराएं, केवल बिहार को सिंगल आउट करने से तो ये मामला बनने वाला नहीं। लेकिन आपको लगता है कि शराबबंदी जो कानून है या जो नीति है वो लागू ठीक से हो पा रही है बिहार में? क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये तो नहीं होता। नहीं, अगर ठीक ढंग से पूर्णतः लागू होता तो शराब से मौत नहीं होता। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन ठीक से करेगा इसमें? ऑब्वियसली सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन ये क्या कोई नया कानून है? जब से भारतीय जनता पार्टी हटी है सरकार से उसी समय ये लागू हुआ था, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, दोनों मिल के ही लागू किए थे, वो कानून आज भी लागू है जब कांग्रेस और आरजेडी के लोग शामिल हैं मंत्रिमंडल में। मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन लागू हो तो ठीक ढंग से लागू हो, ये मैं मानता हूँ। आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस शराबबंदी के पक्ष में है या नहीं, शराबबंदी नीति के पक्ष में आप लोग या नहीं? कांग्रेस शराबबंदी अगर लागू है किया है सरकार तो पक्ष में है, मैं उसमें नीतीश जी के इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, उन्होंने ठीक किया, इससे बहुत सारे परिवार बच गए मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन इसको और प्रभावी तरीके से और कारगर तरीके से लागू किया जाना। बहुत शुक्रिया। तो शराबबंदी नीति को और प्रभावी तरीके से लागू किए जाने की जरूरत है। प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।